कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को बहुत बहुत नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे माँ दुर्गा ने सबको अच्छे से बढ़ाती हैं, जैसे सब पे कृपा रखती हैं, वैसे आप लोगों को भी बढ़ाए और हम लोगों को भी बढ़ाए। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और अभी हम नहा धोवा के तैयार होके और अभी हम जा रहे हैं कुछ सामान वगैरह लाने के लिए, माँ का पूजा करने के लिए। बेसिकली कल क्या हुआ, रात में हम लोग ऑफिस जाना होता है, सुबह में अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है। तो आपको पता ही है आज का दिन हमारा, हम लोग का किस्मत अच्छी है कि आज हमारी छुट्टी है, छुट्टी भी हो गया, मतलब ऑफ हमारा पड़ गया। सुबह से लेके शाम तक, हम सुबह से लेके अभी तक हमने घर की सफाई सफाई नहाना धोना हुआ, मंदिर मंदिर साफ कर दिया। अब जा रहे हैं साफ सुथरे होके सामान वामान लेके आएंगे, जो पूजा का चढ़ाना सामान जो भी है सब कुछ, जैसे आज तो कलश स्थापना है तो उस हिसाब से सब सामान लेके आएंगे। नव पूजा स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल पे जो भी हैं नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए और प्रेम से एक बार नाम लीजिए, माँ दुर्गा भवानी की जय। कितने पहनोगी? छः छः और पहन लो। कितना हुआ भैया? बोला यहाँ पे चूड़ी पहन ली है और चूड़ी पहन के फिर हम जा रहे हैं कहीं और। आज हमारे पास है दोनों लोग का, बोला आज खूब चला रही है मुझे, मैंने बोला उधर ही ले लो सामान वामान मिल रहा, तो बोले बोली नहीं वहाँ लूँगी, चल रहे हैं अभी। बड़ा सा है ना वहाँ पे, हर साल मैं वहीं से लेती हूँ, तो ये साल क्यों इधर से वहीं से लिया जाए। चलो फिर, तो बोला यहाँ सामान में लगी हुई है, सामान लेने में अपने खरीदारी कर रही है, पीछे जो भी सामान हमें लेना है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं दुकान काफ़ी अच्छा सजा हो जाए, तो दशहरा का एक अपना ही माहौल होता है, सब कुछ अच्छा लगता है ना। ये किस लिए ले रही हो? बोला यहाँ पे जो जौ वगैरह जो हम उगाते हैं उसके लिए ये ले रही है, ये सही है। ये टूटा हुआ तो नहीं है? ये टूटा हुआ तो नहीं है, देखना एक बार। हाँ दे दीजिए एक और, देख रही है मैडम। ये माता का मूर्ति कितने की है भैया? जो ले ले तो गए। पूजा का सारा सामान हमने ले लिया और अब जा रहे हैं। हम क्या लेने बोला? बस सो लिया, अब आराम से पूजा करेंगे हम लोग अच्छे से। अभी तो और भी कुछ लेना है ना? अभी क्या लेना था और? बाकी जो पांच फल जो लेने थे वो तो कल गोला ने, इसकी कहानी बातें बताती हूँ मैं आपको, और जो अभी लेना है वो अभी ले लेते हैं। ये सारा सामान आ चुका है, तो फ्रूट्स वगैरह अपना एक एक निकाल लिया हमने भगवान को चढ़ाने के लिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, माता का मूर्ति उसमें है, ये फूल वगैरह ला गए हैं, फूल वगैरह और ये सब सामान वामान सब कुछ इसी में है। माता का मूर्ति अच्छा, ये माता का मूर्ति देखिए, फोटो जैसे फोटो, हाँ माता का फोटो हमें जब भी लाना होता है तो उनका 9 देवियों का यहाँ पे होना चाहिए, और उसके बाद उनकी स्माइल वाले नौ माताएं, हाँ
स्माइली वाला होना चाहिए, देखिए मुस्कुराती है। गोला यहाँ पे स्वास्तिक का फोटो बना रही हैं, मतलब स्वास्तिक बना रही हैं चावल से, और माता का यहाँ पे मूर्ति हमने लगा दिया है, बैठा दिया है यहाँ। स्टार्ट करते हैं, हमने चौकी ऑफिस सजा लिया है, माता का चौकी लग गया है, और इधर सब तैयारी कर लिया है मैंने ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ धोना था, साफ सफाई करनी थी, सब करनी थी। उसके बाद अब धीरे धीरे इसको लेके लेना है। माँ को हम प्यार से तिलक करेंगे, इस तरह उनको खुशबू बहुत पसंद है, उनके फूल लगा देंगे ना, पांच फल चढ़ाएंगे जिसमें अनार है, बबूशा है, नाशपाती है, दो प्रकार के एप्पल है, और इसको क्या कहते हैं संतरा है, और ये हो गए पांच फल। जो भी आपको फल, आपको जो भी पसंद है, जो सीजन का फल है वो भी चढ़ाएंगे, आपको फल चढ़ाएंगे। और माँ को पांच मेवा चढ़ाएंगे, बतासे हो गए, मखाने हो गए, और काजू हो गया, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा किशमिश, और छुआरे। आज के दिन लाल 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 चूड़ी पहनना चाहिए, तो मैंने भी लाल चूड़ी पहनी है, और माँ के लिए भी लाल चूड़ी लेके आई हूँ, ये हम साइड में रख देंगे माँ के लिए।
होकर प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय, दुर्गा माता की जय। नमो नमो दुर्गे सुखरणी, नमो नमो अम्बे दुखरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारे, तीनों लोक हरी उजियारी। ठीक है, माँ का पूजा हो गया आज का और काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हो गया सारा कुछ, हमने अच्छे से किया। और अब हम सोच रहे हैं वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो आपसे विदा लेने के लिए, तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग ने तो बहुत अच्छे से किया, तो हमें भी उम्मीद है कि आप लोग ने बहुत अच्छे से किया होगा। और आप लोग अच्छे से किए हैं तो आप बताइए आपने पूजा में क्या क्या किया, कैसे कैसे तैयारी की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें तो इतना ही आता है, हमने इतना ही किया। माता जी कभी नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे करो वैसे करो, जितना हमें आता है, क्योंकि हम सीधे बंदे हैं, हमें जितना आता है हम उतना ही करेंगे और बाकी भूल चुक माफ करेंगी माता जी। बस माता जी सबको बढ़ाए रखे और हमें भी बढ़ाए, आप लोग भी बढ़ाए, बस सबका ऐसे ही सबके आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर बस। और आपने कैसे मनाया आज का पहला दिन और हमने कैसे मनाया आपको देख लिया होगा, तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारा नवरात्रि का पहला ब्लॉग। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए जोश के साथ। आई होप हम लोग जो नया वाला जो ब्लॉग बनाएंगे वो बाहर में बनाएंगे, बाहर शूट करेंगे, कुछ हमने सोचा है तो शायद हम वहाँ पे जाएं, दशहरा दुर्गा पूजा के आसपास ही जाएंगे, तो आप लोगों को ले चलेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, हम लोग को विदा कीजिए, माता रानी की जय।